हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग सभी क्लासें आपकी डिटेल से देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में। कंप्यूटर जीके के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं, क्योंकि आप लोग टेस्ट हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, तभी देने जाते हैं ना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो उन क्लासों में हम लोगों ने बड़े ही डिटेल से कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को देखा है। 15 क्लास हैं आपकी, तो उन्हें जाकर देख लें पहले। और वो सभी क्लास आपकी कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डली हुई है। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है? और क्लास प्लस मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाहर बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है? इतना कंप्लीट काफ़ी है आपके लिए मटेरियल। तो 5 टेस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके थे, ये आपका छठवा टेस्ट है। चलिए, तो छठवें टेस्ट हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर का कार्य, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सी होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे की तरफ। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबद्ध नहीं है? एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। पेरिफेरल नहीं है आपका। क्या है? पेरिफेरल नहीं है, बाकी आपकी तीनों हैं। तो इसमें क्या होगा दूसरे में? बी ऑप्शन। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 5, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या फिर स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है, किसमें? सूचना में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सूचना में बदलना। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 7, विषम शब्द को चुनना है आपको। क्या है? विषम शब्द को चुनना है। यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज 98, एक्सेस। इसमें क्या होगा? एक्सेस होगा। विषम शब्द कौन सा होगा इनमें? एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 8 अगला, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 8 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 9, संकेतों का संग्रह
जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 10। कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एमएस वर्ड का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या होगा 11 में? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 12। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। 12 में बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 13। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? 12 पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके। 13 में आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? डी ऑप्शन। फिर है आपका क्वेश्चन 14। एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15। क्या है फ्रीवेयर के दो उदाहरण? क्या है फ्रीवेयर के दो उदाहरण बताना है। तो इसमें होगा आपका इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। 15 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 16। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी हो सकती है? ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके बी है। 16 में क्वेश्चन है हमारा 17। प्रत्येक कंप्यूटर में होता है और कई में भी होता है। एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रत्येक कंप्यूटर में होता एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई कंप्यूटर में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ई होगा। क्या होगा? ई ऑप्शन सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ई होगा। उन्नीस। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये आपकी फाइल कंप्रेशन। 19 में आपका ई ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 20। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है
सही है। यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, ये भी सही है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये आपका गलत है। एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, ये भी आपका सही होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, क्या सत्य नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन होगा, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन है 21, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 22, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी आपके हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर तो इसमें क्या होगा 22 में, डी। क्वेश्चन है हमारा 23, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 24, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है हमारा 25, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की प्रति बैकअप में होती है, फुल। 25 में आपका डी होगा, 25 में क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 26, सिस्टम के में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर में। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शन होते हैं। 26 में आपका बी होगा। 27, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन की का मशीन की भाषा में अनुवाद करना, यह आपका सही है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करना, ये भी सही है। यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये भी सही है। यह अनुवाद का प्रोग्राम है, ये आपका गलत है। यह प्रोग्राम रन करने के लिए उपयोगी है, ये भी आपका सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा था, सही नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? सॉफ्टवेयर। 28 में क्या होगा, बी। क्वेश्चन है हमारा 29, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम से किया जाता है, दिया जाता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा इसमें आपका। 30, प्रोग्रामों का एक सेट
जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या होगा? ई ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 31। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर को छू सकते हैं ये आपके, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। 31 में आपका ई होगा। 32। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। 32 में आपका क्या होगा? ई ऑप्शन सही होगा। फिर आपका 33। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए किया जा किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए। 33 में आपका सी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन है 34। लाइनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 35। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं। सीपीयू। क्या है? सीपीयू हार्डवेयर। ठीक है, 35 में आपका ई होगा। क्वेश्चन है हमारा 36। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य काम कौन करता है? ये कहता है आपका असेंबलर। 36 में आपका ए होगा। 36 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 37। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। 37 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 38। डिवाइस ड्राइवर क्या है? छोटे विशेष उद्देश्य को वाले प्रोग्राम। क्या है? सी ऑप्शन सही है 38 में। रे आपका 39। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामों का वह समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, ये था आपका 6वां टेस्ट। 7वां टेस्ट हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।